सो आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? कैसे इंटरेस्ट है आपका फिल्मों में? स्टार्टिंग से अगर बता सके एकदम शुरू से। यार वैसे तो बचपन से तो मुझे भी नहीं पता लगा कब कैसे होते गया एक मगर एक फिल्म थी लंच बॉक्स जो आई थी राकेश बत्रा की, तो वो देखने के लिए मैंने थोड़ा ट्रैवल किया था। मैं भिवंडी में रहता था, मुंबई से थोड़ा ही दूर है। तो वो फिल्म देखने के लिए मैं मुंबई आया और मैंने देखा कि ऐसी भी एक फिल्म बन सकती है और ऐसी फिल्म है एग्जिस्टेंस। एक थोड़ा दूसरी फिल्मों का भी लगने लगा, पता चलने लगा। तो आई थिंक वहीं से फिर धीरे धीरे करके और तुम और फिल्में ढूंढ के देखने लगे हम, और पता चलने लगा कि ओके ऐसा भी एक कुछ होता है। और इन जनरल आर्ट आर्ट से तो इंटरेक्शन था ही, बहुत लगाव था ही। तो एक सब चीज़ें मैच होते गई और हो गया ये। आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉलेज और स्कूल कहाँ से किया? यार हमने ग्रेजुएशन तो मैंने पहले आईबी किया था, जिसमें मुझे पता लगा कि यहाँ पर मुंबई में एक स्कूल है जहाँ पे फिल्म सब्जेक्ट है 11th 12th में। तो फिर मैं भिवंडी में रहते थे हम, फिर वहाँ से मैं हॉस्टल आ गया यहाँ मुंबई में और वो स्कूल में मैंने एडमिशन करा लिया। तो 2 साल वहाँ पे फिल्म सब्जेक्ट था वो पढ़ा। वो बहुत ही वो भी एक आई ओपनर था कि वहाँ पे हमने थोड़ा वर्ल्ड सिनेमा डिस्कवर किया कि क्या होता है क्या नहीं। एंड वहाँ से थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव ब्रॉड होने शुरू हो गया। फिर हमने यहाँ पे बीए किया, रेगुलर मतलब कौन से ओके बीए फिल्म टेलीविजन न्यू मीडिया प्रोडक्शन, एक नया कोर्स था शुरू किया था। वो ठीक ठाक था कोर्स, ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था मगर ठीक ठाक ही कोर्स था वो भी। मगर हाँ ऐसा मुझे तो लगता है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो तुम जितना करोगे लाइक एनी फॉर्म ऑफ आर्ट है ना, कि तुम जितना उसमें डिवावर होंगे उतना ही तुम्हें उससे मिलता जाएगा। तुम जितना दोगे उसमें, टाइम दोगे, मेहनत करोगे, तो ही उसमें तो ही तुम सीखोगे और आगे बढ़ सकोगे। तो आई थिंक स्कूल फिल्म स्कूल या उससे भी ज़्यादा करने से। प्रैक्टिकल। हाँ और आपके पेरेंट्स वर ओके? वो नहीं कहते कि आप इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो? यार पेरेंट्स का ऑनेस्टली ऐसा रहा है कि ऑफ कोर्स सपोर्ट ऐसा नहीं रहा है कि तुम कुछ करो मत या ये मत करो। कभी कभी डाउट होता है उन्हें कि अच्छा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे होगा, कुछ उन्हें समझता नहीं है। तो अभी तो थोड़े उन्होंने भी छोड़ गिव दिया है अप? कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा करके। और फिर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसे हो गई तो एक उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके हाँ कुछ तो हो रहा है, कि वहाँ दिल्ली ले गए थे साथ में हम उन्हें। तो फिर वहाँ पे एक एक थोड़ा उनको सेल्फ कि ओके हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा करके। अब बट हाँ अभी तो छोड़ दिया है कि मतलब करे जो करना है। अब आपने 23 में अगर एक नेशनल अवार्ड जीत लिया तो आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए आपके पास के बहुत प्रेशर रहता है बनाने के लिए? नहीं यार आई डोंट थिंक प्रेशर तो कोई नहीं रहता, मगर एक ये है कि तुम्हें बनाते रहना पड़ेगा कि कोई चीज़ से तुम एक वहाँ पे एक स्टॉप नहीं लगा सकते कि अरे अब ये हो गया करके। ठीक है अच्छी चीज़ हुई है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप डूइंग मोर। तो आइडिया कैसा है आपको दाल भात के लिए? यार आइडिया तो बहुत लंबी एक ये है कि हम जो 2 3 दोस्त थे मेरे, मेरे एक दोस्त है जो को राइटर है और मेरा भाई, हम ऐसे एक ट्रिप पे निकल गए थे गुजरात में। पता था कि ओके गुजरात में, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ वैसे, तो वहाँ पे कुछ फिल्म बनानी है। और मेरे हमेशा से बचपन से एक दादाजी जो हमारे थे वो बहुत सारी कहानियाँ हमें बताते थे ना उनके बचपन की, कि
क्योंकि वो गुजरात में, हम सौराष्ट्र से है तो काफी एरिड जगह है, पानी की बहुत दिक्कत होती थी हमेशा से। तो उनकी हमेशा जो भी बचपन की कहानियां होती थी वो पानी को एक करके होती थी, कि पानी की समस्या हो गई, या फिर हम, है ना, ऐसा कहते थे कि हम 4-5 किलोमीटर चल के जाते थे, कुआं ढूंढते थे वहां पे, फिर पेड़ पे चल चढ़कर हम कूदते थे, नहाते थे, शाम में वापस आते थे घर पे, और फिर रास्ते में फिर से कोई मिल गया जो कुएं पर जा रहा है तो वापस चल लेते थे। तो यही कहानियां होती थी कि उनके लिए जो फैसिनेशन था पानी को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के, तो एक वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी। और मुझे भी पर्सनली, मेरे जितने, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि एक मेरा अट्रैक्शन पर्सनल रहा है, बेसिक जो लाइफ की नीड्स होती है ना, खाना, पानी, मकान, छत, सोना, तो ये चीज़ों से थोड़ा सा अट्रैक्शन मुझे रहा है, और वही थोड़ा एक्सप्लोर करने की मैं कोशिश करता हूँ अपने आर्ट में। तो सारी कुछ चीज़ें वो मेल खा रही थी, और फिर हम वो एक ट्रिप पे निकल गए जहाँ पे हम काफ़ी लोगों से मिले जो अलग अलग कम्युनिटीज से थे, और उनकी कहानियाँ, उनके बचपन की कहानियाँ, वो सारा कुछ अमेलगमेशन होकर, एक मिश्रण कर कर हमने ये कहानी बनाई थी। आपको एक्सपीरियंस कैसा था आपका शूट करने का? कोई डिफिकल्टीज आई होंगी? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही सुंदर ही होता है, डिफिकल्टीज तो अक्सर हाँ आएगी ही, मगर वो तो बहुत सारी आती है, वो तो एक पार्ट पार्ट हो जाता है किस चीज़ का, एंड उसी से एक एनर्जी भी मिलती है कि ओके तुम कुछ करना चाह रहे हो, तो तुम्हें उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है तुम्हारे लिए। और फर्स्ट शूट था, काफ़ी बच्चों के साथ हमने शूट किया था, हम भी सारे सब कॉलेज में ही थे, बच्चों को ऐसे तो एक्टिंग करवाना मुश्किल होता है? यार ठीक है, मुश्किल तो सभी है ही, सिर्फ अलग, थोड़ा सा अलग होता है, मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल होता है या ऐसा कुछ, थोड़ा सा अलग ज़रूर होता है, जैसे तुम्हें उनको बच्चों की तरह ही समझाना पड़ता है या वहाँ पे रहना पड़ता है, बट आई थिंक वो काफ़ी रॉ भी रहता है, कि तुम जब बच्चों के साथ उनको एक समझाने की कोशिश करते हो कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तो वो भी एक बहुत ही तुम्हें ओपन तरीके से, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, तो तुम भी ज़्यादा समझते हो मेरे ख्याल से। मुझे वो एक फ़ायदा हुआ था कि जब उन्हें समझाने के चक्कर में मैं काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सिंपलीफाइड हो गई थी, और वो एक रॉनेस होती है, क्योंकि जब अक्सर बच्चों में एक मासूमियत होती है, तो फिर उस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें सही सही फॉल इन प्लेस होती है। तो हाँ, डिफिकल्ट तो पता नहीं, डिफिकल्ट तो है ही, ऑफ कोर्स है, मगर ऐसा नहीं है कि फिर बाकी काम, बाकी फिल्म बनाने में या बाकी एक्टरों के साथ डिफिकल्टी नहीं है। तो हाँ, अलग ज़रूर है, क्या कैसे अप्रोच करना है वो अलग है, कैसे उनके पेरेंट्स को टैकल करना है, कैसे उनको एक समझानी है कोई चीज़, है ना, हाँ, प्यार से। गेम्स गेम्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है आई थिंक इन जनरली हमारे लाइफ में भी, क्योंकि इवोल्यूशन से ही सारा कुछ उसी तरीके से चल रहा है ना, कि हम सीखते हैं तो क्या, एक इमिटेशन ऑफ लाइफ जो गेम का होता है, तो गेम्स खेल कर ही कैसे तुम उनको, फिल्म भी वही है ना, कि वो भी इमिटेशन ऑफ लाइफ ही है सारा, जो इमिटेशन ऑफ लाइफ है, कि तुम ओके एक लाइफ को कैसे फेस करना है, तुम अगर उसका एक तुम्हें डमी दिया गया है तो तुम उस पर जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बच्चों को उस तरीके से सब गेम्स वगैरह करके, हाँ, काफी कुछ चीजें होती है जिससे हेल्प हो जाती है। अपने फिर संजय मिश्रा को कैसे अप्रोच किया कि वो भी है मेरे ख्याल से फिल्म में? हमने उनका कांटेक्ट ढूंढा, कांटेक्ट तो मिल जाता है, मगर फिर उन्हें उन्हें हमने बताया कि हम ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और हम ऐसे ये फिल्म बनाना चाहते हैं, आप अगर आप सिर्फ सुनना चाहेंगे एक बार, तो
उनको थोड़ा हमारा अप्रोच सही लगा तो उन्होंने बुलाया हमें नरेशन के लिए। सुनी उन्होंने कहानी, उन्हें पसंद आई तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो हम चलेंगे। तो ऐसा तो बहुत ही सिंपल रहा था, ऐसा कुछ ज़्यादा वो दिक्कत नहीं थी। हमारे साथ ट्रेन में ही चले थे। वहाँ पे हमारे पास तो खाट पे ही सो रहे थे, तो वो तो वो सारा कुछ समझ के तो हमारे लिए तो एक इजी एक ये हो गया था। मगर हाँ काफी काफी अच्छी तरीके से हमारा सारा कुछ फ्लो में बैठ गया था। बट हाँ वही है कि अगर तुम्हारे पास अच्छी कुछ कुछ चीज़ है जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारा पर्पस सही है, अप्रोच सही है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। किसी को भी तुम अप्रोच कर सकते हो और सारे हेल्पफुल रहते हैं। समझता तो हर कोई है कि कैसे कौन बना रहा है। तुम जो मतलब एक इनोसेंस में और अप्रोच सही रहेगा तो आई थिंक सारा कुछ सही काम कर जाता है तुम्हारे लिए। वो कैसे एक्टर है? अच्छे, उनके साथ इजी इजी टू वो यार कैसे एक्टर है तो ऑफ कोर्स सब सभी को पता है कि कैसे एक्टर है वो। आपको देखा, एक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं हाँ नहीं ऑफ एज अ कोर्स, पर्सन। हाँ वो तो एक हर किसी का एक अपना अप्रोच होता है चीज़ों को कैसे अप्रोच करने का। हर एक्टर का एक अपना तरीका होता है। एंड हाँ उनका तरीका, क्योंकि ज़्यादा भी हमारे फिल्म में उनका वो पोर्शन नहीं था, तो जितना भी था हमारा बहुत ही क्विक हुआ था और काफ़ी टाइम भी दिया था उन्होंने। कितने दिन का शूट था? सिर्फ ओनली शूटिंग, टोटल सिर्फ शूटिंग पार्ट कितने दिन का था? हमारा 8 8 9 दिन का शूट था। हाँ ओके उनके साथ तो हम खैर 2 ही दिन ही थे, बट हाँ तो ऐसा था। अपनी फेवरेट फिल्म लिस्ट कर दीजिए, फिल्म अगर आपको रेकमेंड कोई करनी हो सारी। यार एक फेवरेट फिल्म तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ कुछ जो मुझे बहुत पसंद है रिसेंटली वो है पैटरसन। एक्चुअली विदार जोशी भी गेस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यार आपने उनको दिखाई थी फिल्म और आपकी फेवरेट फिल्म है। हाँ वो फेवरेट फिल्म तो है काफी सालों से, अभी तो खैर वो रही है। तो हाँ मतलब वो एक बहुत ही अलग तरीके से इम्पैक्ट फुल रही है मेरे लिए, समझने के लिए क्राफ्ट को, मीडियम को, एक्टिंग समझने के लिए काफी। एडम ड्राइवर से मुझे वो मिला है, और एक जो रेपिटेशन है उस फिल्म में उस चीज को कैसे यूज किया है। तो देखिए आपने, मैंने, हाँ जी बहुत देखिए हाँ सुंदर। तो वही है। और पर्सनली तो खैर लंच बॉक्स जैसे, क्योंकि वो पर्सनल एक इम्पैक्ट रहा है मुझे एक ये मीडियम से इंट्रोड्यूस करने का, तो वो तो खैर हमेशा से एक वो पर्सनली फिल्म रहेगी। मगर वैसे तो यार मुझे ओंकार वाई काफी पसंद है। इन द मूड फॉर लव या चंकिंग एक्सप्रेस? यार ऐसे चूज तो नहीं कर सकता मैं, तुम कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे तो मैं जरूर उसमें आंसर कर पाऊंगा। मगर इन द मूड फॉर लव और चंकिंग एक्सप्रेस में आपको क्या डिफरेंस लगता है? दोनों वॉन्कर वाई की फिल्म है लेकिन काफी डिफरेंस है उसमें। यार डिफरेंस तो है ही, सारी फिल्म में होता है। एक नया एक टेक्निक, थोड़ा सा एक फॉर्म वाइज जो मैं कहूँगा कि वो इन द मूड फॉर लव में वो एक डिफरेंस था। मगर खैर जो मूड सेटिंग है और बाकी सारी जो चीज़ें वो एक होती है वो कार्रवाई की फिल्म्स में, तो वो तो खैर वैसी है ही। स्लो मोशन का काफ़ी एक जो इन द मूड फॉर लव में है यूज़, मैं तो बहुत ही ब्रॉड वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंस तो पता नहीं। ऐसे तुम स्पेसिफिकली अगर फिल्म पे कुछ बात करनी है तो फिर हम बिल्कुल कर पाएंगे। चंकिंग एक्सप्रेस में भी मुझे लगता है कि जिस जो दो स्टोरीज हैं मगर कैसे एक ही है,
एक्चुअली चंकी एक्सप्रेस में उन्होंने सोचा था कि 3 स्टोरी बनाने के लिए, लेकिन दो ही इतनी बड़ी बन गई, वो 3 बना नहीं पाए। और शायद चंकिंग एक्सप्रेस तो वो बना रहे, कोई दो एक फिल्म बना रहे थे उसके बीच में बना दी थी। एशेज ऑफ टाइम, एशेज ऑफ हाँ टाइम। तो खैर वही, और अभी तो आर्गुएबली उसकी तो ये मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट हो गई है। सो वो भी ऐसे ही बन जाती है। इनफैक्ट किरोस्तामी की का भी ऐसा ही उनका रहा था कि एक फिल्म वो बीच में बना रहे थे क्लोजअप, और फिल्म के बीच में उन्हें वो मिल गया था मखमल बफ का फैन, उन्होंने सोचा कि फिल्म बना देते हैं इस पे, तो दूसरी कोई फिल्म शूट कर रहे थे उसमें बीच में बना दी। तो ये व्हेन यू कीप डूइंग क्लोजअप मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, आप उसको डॉक्यूमेंट्री की तरह से देखते हो या फिक्शन की तरह से? यार, वो तो मैं तो ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ कि खैर डॉक्यूमेंट्री या फिक्शन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे फिल्म वो उसको ही देखता हूँ मैं, उसको और कोई तरीके से तो कैटेगराइज करना आई थिंक सही भी नहीं होगा। तो वर्नर अर्जोग ने भी कहा है कि है ना, कि वो तो बोलते कि फिक्शन को नॉन फिक्शन की तरह बनाओ, नॉन फिक्शन को फिक्शन की तरह बनाओ इतना। तो ये तो खैर वो सिर्फ एक टर्म है फॉर हमारे लिए कि हम कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, मगर फर्क तो नहीं पड़ता, मैं तो उस सेंस में नहीं सोचता एटलीस्ट। तो गलत 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 इंसान से तुम पूछ रहे हो कि कैसे देखते हो। हाँ तो और कोई फेवरेट फिल्म आपकी? और फेवरेट फिल्म्स यार वैसे तो काफी है, मेमोरिया भी मुझे काफी पसंद है, पिचातों की। हाँ हाँ, इससे क्वेश्चन है, आपने उनके साथ एक लैब में, शायद जी उनके डायरेक्टर का नाम क्या है, मैं इसलिए प्रोनाउंस नहीं कर रहा उनका नाम। पिचातों आपने उनके साथ लैब में थे, तो वहाँ पे आपको क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? नहीं बिल्कुल। अपने अगर उनकी फिल्म देखी होगी तो बस बिल्कुल वैसे ही एक किस्म के इंसान भी है, बहुत ही काम जन, एक अलग अप्रोच। फिल्म मेकर जितने भी तुम देखते हो तो उनका एक अप्रोच टुवर्ड्स आर्ट एक समझते हो, जो कि खैर एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज लगती है मुझे कि कैसे हर बंदा, हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट अपने आर्ट को कैसे अप्रोच करता है, क्या इंस्पिरेशन उसे मिलती है। तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन उस तरीके से करने लगते हो, और जब तुमने उनकी इतनी फिल्म्स देखी होती है तो तुम समझने की कोशिश करते हो कि कैसे, कहाँ से, क्या है, क्वेश्चंस बहुत सारे करते हो। तो खैर उनके साथ तो बहुत ही वो एक कामनेस के साथ, क्योंकि तुम एक थोड़ा हमेशा एक हेक्टिक वे में करना जरूरी नहीं है। ये तो मैं बहुत ही ब्रॉड वे में तुम्हें बता रहा हूँ, वैसे तो काफी चीजें इम्पेक्ट करती है, मगर ओवरऑल यही है कि तुम ओके, तुम्हें जो करना है वो चीज तुम्हें करनी है, यू यू ओव नथिंग टू नो वन, तुम किसी को भी आंसरेबल नहीं हो। अगर तुम्हें कोई चीज कुछ क्रिएट करना है आर्ट, तो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें करना ही चाहिए। आई थिंक यही तुम सारे जितने भी फिल्म मेकर से तुम सीखते हो, करते हो, देखते हो उनमें, यही चीज लगती है। हाँ आप उनसे मिले थे? जी हाँ जी ओके, आपने अप्लाई कैसे किया था, कि आप सब बता सकते हैं? ये सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं, और सभी के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें भेजनी है, बतानी है। कुछ में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ में वीडियोस होते हैं, कि तुम्हें पिच करना होता है, या तो सबका अपना अपना एक, जैसे तुम कहीं और भी एप्लीकेशन होते हैं वैसे ही सारे अवेलेबल होते हैं। तुम रिसर्च करते हो, थोड़ा देखते हो, करते हो और ढूंढते हो, और मिलता है फिर अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन हो जाती है, तो तुम्हें जाने मिलता है, वो यही है। क्योंकि आप इंडिया के सबसे ओनली वन पर्सन हो जिन्होंने इंडिया से सिलेक्ट हुए हो। हाँ पहले लैब में दूसरे में भी और थे, और भी थे जो सिलेक्ट भी हुए थे, पर कुछ लोग जा भी नहीं पाए थे,
हाँ वो तो सारा सिलेक्शन भी होता है काफी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही था, दूसरे लैब में भी एक जन गए थे, दो तीन जन और सिलेक्ट भी हुए थे जो जा नहीं पाए थे अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल रीजन की वजह से और दूसरे भी कारणों की वजह से। मगर हाँ ऐसा नहीं है कि मैं ही था, मगर हाँ एक वो होता है कि तुम अप्लाई करते हो तुम्हें वहाँ मिल जाता है, तुम जाते हो, बस वही है। एनी अदर एप्लीकेशंस जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लैब्स बाकी सब सब जगह यही होता है। आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स? मैंने कहा वोंकर भाई मुझे काफी पसंद है, और फेवरेट फिल्म मेकर्स बहुत डिफिकल्ट, कोइन ब्रदर्स भी पसंद है मुझे, और टॉप ऑफ द अभी ज्यादा आ रहे नहीं है ना, मगर हाँ अभी काफी रिसेंटली टार्कोस्की को रिविजिट किया हुआ है तो उनकी फिल्में पसंद आती है। अभी चापों को जानता हूँ मैं उस हिसाब से, और उनकी फिल्म भी देखी है तो वो भी पसंद है मुझे। और खैर बहुत ही जो पसंद है मुझे एंडरसन काफी पसंद है, उनका एक स्टाइल है, उनका एक अप्रोच है, हाँ तो ये थोड़ा बहुत पसंद है। हाँ बुक्स पढ़ते हैं? जी बुक्स बिल्कुल। अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहें, आपकी फेवरेट बुक्स? बुक्स तो मैं इनफैक्ट अगर मैंने एरिस्टोटल पढ़े हैं, पढ़े प्लेटो भी पढ़ा हुआ है, फिक्शन में मुझे जो मैंने रिकमेंडेशन ली हुई है वो वर्नर हर्ज़ोग से काफ़ी मुझे मिले हुए हैं रिकमेंडेशन, नहीं, मिला नहीं हूँ मैं, मगर उनके उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं ऑनलाइन जो सोर्सेस अवेलेबल, एक पेरेग्रिन करके है बुक जे बेकर की, वो बहुत ही सुंदर बुक है, जो कि 10 साल में लिखी गई है, वो एक एक बर्ड को ऑब्जर्व करके वो बर्ड की ही सारी की ऑब्जर्वेशंस है पेरेग्रिन। फिर तो खैर ओल्ड मैन एंड द सी जो बहुत ही फेमस भी है, मगर हेमिंग्वे का काफी मुझे एक वो रहा है, वो भी उनका स्टाइल काफी पसंद है। फिर हाँ हेमिंग्वे यार, फिल्म्स पे मुझे कोई अच्छी लगी हो वैसे तो खैर नहीं है ज्यादा, पर एक एनिमेशन की बुक है जो मेरे पास है, रुको मैं दिखाता हूँ। सर्वाइवल किट है इसलिए तो मैं, हाँ रिचर्ड विलियम्स की है, मैंने भी अभी शुरू किया तो अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, वो काफी पसंद है। फिर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई जो एडिटिंग पे है वॉल्टर मॉच की है वो भी, फिर फिल्म मेकिंग पे और तो कौन सी किताब तो अच्छी है, आपने उनकी पढ़ी है जिन्होंने 12 एंग्री मैन बनाई थी? उनका नाम है नहीं मैंने उनकी कोई बुक तो नहीं पढ़ी है। फिर एक आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग है लाजोस एग्री की, वो भी अच्छी बुक है।
सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो? नहीं। एक्टिंग मैंने देखा आप एक्टिंग भी करते हो, तो एक्टिंग से कैसे नहीं नहीं मैं स्टार्ट एक्टिंग हुआ? नहीं करता हूँ। मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, मगर एक वो एक समझने के लिए क्राफ्ट एक्टिंग का और आर्ट, उसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं एज ए बॉडी। डायरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है एक्टिंग का थोड़ा बिल्कुल सा समझना। बिल्कुल बिल्कुल ना, हरी फिल्म में तुम्हें समझना तो पड़ेगा ही कि बॉडी को कैसे तुम एक ओपन अप कर सकते हो, कि पॉसिबिलिटीज अब तुम्हें पता नहीं होगी तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो ऐसा मैं एक्टिंग करना नहीं चाहता, नहीं करता हूँ, मगर एक वही है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम सीखते हो, समझते हो कि बॉडी को कौन से एक्सटेंट तक तुम ले जा सकते हो, क्या हो सकती है चीज़ें। कोई आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो अभी? बिल्कुल, अभी लिखते तो रहते हैं हम, मगर एक फ्यूचर है जो बहुत हाँ करनी है हमें जल्दी, होपफुली जल्दी हो जाएगी वो भी। एनी एडवाइस फॉर न्यू फिल्म मेकर्स? यार मैं भी न्यू ही हूँ मगर कोई आपने लेकिन नेशनल अवार्ड जीत लिया ना, अब आप वही है कि वो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज से तुम, मतलब पर्सनली मेरा ये मानना है कि एक वो हो गया। हाँ इट्स वो एक तुम करते जाते हो तुम चीजें और वो होते जाती है। सो ऐसा नहीं है कि तुम वो चीज हो गई तो कुछ बहुत ये हो गया। बिल्कुल एक एक सभी को एक वैलिडेशन मिलता है सारी चीज़ों के। ओके एक लोग थोड़ा सीरियसली लेना भी शुरू कर देते हैं, वरना ऐसा हो जाता था कि ओके कॉलेज के बच्चे फिल्म बना रहे हैं ठीक है क्या ही होगा, तो एक वो सेंस में हो जाता है कि लोग थोड़े सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। बट वही है कि तुम जब जब तक करोगे, क्योंकि हम 2 साल में, 2 साल लेके हम 2 साल लग गए थे हमें फिल्म बनाने में ऑलमोस्ट, है ना, लिखने से लेके। हाँ, हाँ दाल भात वो भी की शॉर्ट फिल्म है, तो सब आसपास में वही कहते थे कि ओके तो यार 2 साल में तुम एक फिल्म, एक वो भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, है ना, फैमिली फ्रेंड्स आसपास के जो भी होते हैं, तो एक फिर तुम्हें वो, क्योंकि जब तक तुम वो करते नहीं रहोगे मेहनत, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू मेक फिल्म, है ना, टाइम लगता है, तुम्हें सारा कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुरंत ही सारा कुछ मिल जाएगा। काफी लोगों को देखता हूँ मैं कि ओके छोड़ देते हैं थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, बट वो छोड़ना नहीं है, करते रहना है। इफ यू कीप डूइंग एंड इफ यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, तो फिर वो हो गए, तुम खुश भी रहोगे और तुम्हें वो एक चीज आगे आगे भी होगी, कुछ ना कुछ तो चीजें हो ही जाएगी उसमें, बस करते रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम पैसे होंगे तो ही फिल्म बना पाओगे या कुछ भी। आज सबके पास फोन है, सबके पास लैपटॉप है, सबके पास सब कुछ है आसपास में, कहीं जाके भी कुछ भी करके बन सकती है फिल्म, है ना। तो एक वो एक हो जाता है। हाँ ऑफ कोर्स पैसे जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर यही है कि तुम अगर चाहोगे करना तो तुम्हें हो जाएगी चीजें, करनी पड़ेगी चीजें, ऐसा। हाँ मतलब ऐसे हमारे है वीओडी चैनल्स पे है, गुनेला पे है, तो रेंट कर सकते हैं एक दिन के लिए वहां पर। और खैर अभी इंडिया में तो रिलीज की बात चल रही है, बाहर भी है, गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, यूएस में, यूरोप में और भी थोड़ी जगहों पर है, मगर इंडिया में अभी होपफुली हम रिलीज होगी, कुछ हो जाएगा तो फिर वो OTT पे या कहीं पर भी आ सकती है, मगर अभी तो है VOD, है VOD लिंक है। ओके निमल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू आकाश, और करते रहो आप भी फिल्म बनाने, बनाओ कभी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं फिल्म बनाऊंगा, यहाँ से लोगों से मोटिवेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।